हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रफ मैन प्लेस में। तो आज वो दिन आ ही गया जिस दिन का मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। आज हमें वार्म अप मिल गया और हमने उसको पूरा 10 लेवल करके वो इवॉल्व भी कर दिया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि उसके अटैक कैसे यूज़ करने हैं और कितने ओपी अटैक है उसके, और बहुत ओपी अटैक है। तो देखना इस वीडियो को लास्ट तक, एकदम लास्ट तक ज़रूर देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमारा नेट सब्सक्राइब बोले 1000 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सिर्फ 5 सब्सक्राइबर बचे 600 सब्सक्राइबर्स के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कल मैंने एक वीडियो डाला था 100 के डैश ग्लिच के ऊपर, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखना। चलो देखते हैं कि कौन सा अटैक कैसे यूज़ करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, नया अटैक जो है वो है रॉक इलाय, और रेमबो इलाय, और पिन, बाकी फायर इलाय, वाटर इलाय, ईवल इलाय, और पाव का तो हम लोग पाव तो बहुत पहले से वो सब हम लोग देख चुके हैं। और पिन भी एक अटैक है जो स्टार्टिंग में दिया जाता है जब छोटा होता है, वार्म अप होता है, ग्लोरिया नहीं बनता है जब, तभी दिया जाता है पिन। तो एकदम ज़्यादा डैमेज करता नहीं हो, लेकिन फिर भी हम लोग रख लेते हैं क्योंकि ईवल इलाय का टाइम पर बहुत काम आता है। लेकिन हमें सिर्फ नया अटैक देखने, तो हम रखेंगे शॉक इलाय, रॉक इलाय, और पिन और रेमबो इलाय, बस ये चार ही रखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अभी रुकना, अभी मैच चालू हो जाएगी थोड़ी देर में, एक सेकंड रुक जाओ, कट कर देता हूँ थोड़ा सा वीडियो। तो ये वाला मैच हम लोग मास्टर रुद्रा के साथ खेल रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में एक प्लेयर है जिसका यूट्यूब पर भी चैनल है, तो हम लोग उसके साथ खेल रहे हैं। तो ये मैच में हम लोग ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करेंगे ग्लोरिया का, तो ये मैच ऐसा नॉर्मल मैच होने वाला है। लेकिन नेक्स्ट मैच हम लोग टॉप मैन के साथ खेलेंगे और उसमें मैं बताऊँगा आप लोगों को कौन सा अटैक कैसे यूज़ करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो रुक जाओ, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इस वीडियो को। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा अटैक कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो हमारा अटैक आता है वो है शॉक इलाय। शॉक इलाय बहुत ओपी अटैक है, जिसको यूज़ करने पर वो हमारे आजू बाजू राउंड गोल गोल घूमते रहता है हमारे मॉन्स्टर के पास। तो फिर अगर कोई सामने वाले का मॉन्स्टर उस पर टच होता है, सामने वाले मॉन्स्टर पर स्टन लग जाएगा थोड़ी देर के लिए, मतलब वो हिल नहीं पाएगा, कुछ अटैक नहीं यूज़ कर पाएगा, और दूसरा उसको डैमेज भी पड़ेगा। तो फिर बहुत ओपी अटैक है शॉक इलाय। तो फिर दूसरा अटैक है, पहले आता है शॉक इलाय, फिर आता है हमारा रॉक इलाय। तो शॉक एंड रॉक इलाय बहुत मैच होता है, लेकिन रॉक इलाय अगर आप यूज़ करते हो तो रॉक इलाय सारे अटैक्स को रोक सकता है फायर इलाय की तरह। लेकिन फायर इलाय पर जब अटैक कुछ यूज़ करता है कोई मॉन्स्टर, तो फायर इलाय हट जाता है, लेकिन रॉक इलाय ऐसा नहीं है। रॉक इलाय एकदम हार्ड है, अगर जब तक उसका टाइम रहेगा तब तक वो रहेगा, नहीं हटेगा नहीं। अगर कोई भी अटैक मारो नहीं हटेगा, तो फिर कैटागन जैसे अटैक को नहीं रोक सकता है रॉक इलाय। लेकिन फायर ब्लास्ट, फ्रीज, रेजर लीफ, जितने भी अटैक है, लीफ कटर, जितने भी अटैक है सबको रोक सकता है, हरिकेन भी रोक सकता है, बहुत ओपी अटैक है। तो फिर ये बहुत ओपी अटैक है। पिन बस इसी है, स्टार्टिंग में मिलता है हमें मॉन्स्टर, तो पिन सा नॉर्मल अटैक है, बेसिक अटैक है बस मारने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ईवल इलाय है तो पिन बहुत ओपी अटैक है, ईवल इलाय लगा के पिन बहुत फास्ट होता है इसके लिए। तो शॉक इलाय से देखना, अभी अगर मैं शॉक इलाय यूज़ करता हूँ और 100 के शॉक इलाय पर टच होता है, 100 रुक जाएगा और 100 को डैमेज भी लगेगा। देखना अभी उसने मारा चौपे, देखो उसका अटैक भी नहीं लगा मुझे, तो फिर ये सारे अटैक पे काम करता है। बॉडी स्लैम भी रुक जाएगा शायद से, देखना पड़ेगा अभी, मैं देखूंगा। तो देखना, एक भी स्क्रैच नहीं मार पाया अभी तक, वो फिर से शॉक हो जाएगा, तो बहुत ओपी अटैक, और स्टन भी हो जाता है। तो उसको एकदम ओपी तरीका इसका यूज़ करने का मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। अगर आपके पास है शॉक इलाय तो आप जितने हो सकते हैं उतने शॉक इलाय लगाइए, और अपने अपने मॉन्स्टर टीम में मॉस्को को रखिए। मॉस्को से क्या होगा कि मॉस्को लीच मारता है, और लीच के टाइम पे सामने वाले मॉन्स्टर के पास ही रुक जाता है। तो अगर लीच मारेंगे तो सामने वाला मॉन्स्टर अपने अटैक्स भी नहीं यूज़ कर पाएगा, और मॉस्को को लीच भी कर देगा, तो फिर मॉस्को का ब्लड भी बढ़ जाएगा और सामने वाला मॉन्स्टर कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो फिर बहुत ओपी हो जाता है मॉस्को इस अटैक के साथ। अगर आपके पास ये अटैक है तो ज़रूर यूज़ करें, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बहुत ओपी अटैक है वाला। और मॉस्को को ज़रूर रखें, क्योंकि मॉस्को वाट लगा देगा सामने वाले की अगर चांस मिला तो। कभी कभी सामने वाला ओपोनेंट बहुत बिग ब्रेन आ जाता है और कुछ भयानक से यूज़ कर लेता है, फ्लाई लाया कुछ भी यूज़ कर लेता है, तो मॉस्को की वाट लग जाती है। लेकिन आपने अगर स्टन एक बार यूज़ कर लिए
सामने वाले की एकदम सा वाट लग जाएगी। तो रॉकीले देखना, अभी फ्रीज को भी रोक सकते हैं रॉकीले, देखना। अरे तो भयानक टाइमिंग देख, ऐसे अगर सामने वाले ने ऐसे टाइमिंग पर मार दिया तो एकदम हार्ड हो जाएगा सामने वाले का। तो देखना, तो फिर रॉकीले ने फ्रीज को भी रोक लिया, एको को भी रोक लिया, तो सारे अटैक्स रोक सकते हैं रॉकीले, सिवाय बहुत सारे अटैक्स जैसे जो भाग के आके मारते हैं ना, स्क्रैच स्लैश, वो सब अटैक नहीं रोक सकता रॉकीले, लेकिन इनकमिंग अटैक सारे रोक सकता है। तो फिर बहुत ओपी अटैक है वाला। तो फिर देखिए, अभी मैंने यहाँ पे मारा, अब मैं आपको बता दूँ, रेनबो है, तो रेनबो है बहुत ओपी अटैक है ये गोल गोल नहीं होता बल्कि ऊपर से पीछे और आगे आगे पीछे ऊपर से बाउंस करते रहता है आगे पीछे। तो फिर ये बहुत ओपी अटैक है। तो फिर इसको यूज़ भी करना मॉस्को की तरह ही है, आपको 3 या 4 जितने इलेक्ट्रिक इलाय लगा सकते हैं लगा लीजिए, और एक रेनबो इलाय लगाए, तो इससे क्या होगा कि एकदम ओपी हो जाएगा आपका मॉन्स्टर, मॉस्को बहुत ही ज़्यादा ओपी हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। तो फिर देखना, अभी लगा 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 लगा, तो देखना कितना 33 का डैमेज दे रहा है क्योंकि अभी कम है। अभी मैं इसको ज़्यादा करके भी बताऊंगा, एबिलिटीज को फुल करके भी बताऊंगा कितना लेता है, तो तभी तो बहुत ज़्यादा ओपी हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखना, तो देखिए एकदम स्पीड में मार रहे सारे मॉन्स्टर को। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ, अगर आप इसकी एबिलिटी फुल कर दोगे तो कितना डैमेज लेगा। तो रुकना, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो कट कर दूंगा। सो गाइस, अब मैंने सारे अटैक को कर दिया एकदम स्टेबल, स्टेबल मतलब सारे अटैक एकदम ओपी ओपी डैमेज देगी अभी। तो फिर रेनबो इलाय दे रहा है पूरे 53 का डैमेज, तो जहाँ अभी सोचो कितना ओपी हो जाएगा रेनबो इलाय 53 का डैमेज दे रहा है, मॉन्स्टर आएगा और जाएगा अगर आपके पास मॉस्को पे वो लगा हुआ है शौक इलाय, तो बहुत ओपी हो जाएगा ये अटैक। तो अभी फिर से हम लोग टफ मैन के साथ मैच चालू करते हैं, तो देखना कितना ओपी हो जाएगा। अगर आपकी किस्मत हुई तो आपका एकदम ओपी हो जाएगा ये, लेकिन हर बार नहीं होगा क्योंकि मैं अभी टफ मैन का खेल रहा हूँ, पूरा प्लान है, लेकिन यूज़ करना बहुत मुश्किल है उसको रियल मैच में। लेकिन अगर यूज़ हो गया तो सामने वाला एकदम वाट लग जाएगी, सामने वाले की एकदम कुछ कर ही नहीं पाएगा सामने वाला, ऐसा हो जाएगा। तो अभी मैच चालू होने में पता नहीं कितना टाइम लग रहा है। चलो मैच चालू हो गई, तो फिर अभी देखना ये अभी शौक किला है वो सब का देखना, अभी शौक किला ज़्यादा डैमेज करेगा क्योंकि शौक किला पे मैंने लगा दिया ज़्यादा, पहले 8 का डैमेज कर रहा था, अभी कुछ 14 या 15 का डैमेज कर रहा है शौक किला, तो बहुत ओपी सा अटैक है। अरे मिस हो गया, रुक जाओ, अब पक्का लगेगा, पक्का लगेगा। शौक किला दे रहा है, अरे भाई 22 का डैमेज दे रहा है शौक किला, बहुत ओपी हो गया। तो ख़त्म है समझो, 3 बार टच हो गया तो फिर वाट लग जाएगी सामने वाले की 66, किसको बोलते भाई 66। तो फिर शौक किला आप जितने लगा सकते लगा लीजिए, 3 शौक किला लगा लिया मैंने, एक रेनबो इलाय है और मॉस्को आया, और मॉस्को सबकी वाट लगा देगा। अभी मॉस्को पहले से बहुत ओपी मॉन्स्टर था लेकिन कोई यूज़ नहीं करता था उसको क्योंकि ज़्यादा ओपी नहीं था। ओ भाई एकदम भयानक सा ही हो गया, कुछ कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, एकदम स्पीड में हो गया सब कुछ, आया टेलुना आया और टेलुना गया, बहुत एकदम जल्दी ख़त्म हो गया मैच, कुछ ऐसा ज़्यादा टाइम लगा नहीं। फिर आया वोल्ट्रेक्स आया, वोल्ट्रेक्स भी अगर कुछ अगर वोल्ट्रेक्स अगर फास्ट है थोड़ा तो फिर आपको यूज़ कर सकते हैं स्क्रैच या स्लैश मार के, लेकिन फिर भी अगर एक बार रेनबो इलाय टच हो गया, देखो इतनी दूर हो गया था लेकिन टपली मार के आया रेनबो इलाय को, भाई बहुत बहुत भयानक अटैक है। तो देखना अभी डैश ग्लिश तो आपको सब सभी लोग को बताएगा, हम लोग अभी देखेंगे चौपो के ऊपर यूज़ होता है कि नहीं, और डैश ग्लिच चौपो के ऊपर यूज़ होता है कि नहीं, चलो देखते हैं चौपो अगर यूज़ करेगा डैश ग्लिच तो देखते क्या होता है, अभी देखते हैं होता है कि नहीं, तो अभी यूज़ कर ले, होता है भाई होता है, बहुत ख़राब है क्योंकि कल मेरे साथ किसी ने कर दिया था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो इसको हटाना पड़ेगा, प्लीज़ इसको हटा दो अगर कोई है मॉन्स्टर मास्टर वाला तो प्लीज़ इसको हटा दो, लेकिन मज़ा बहुत आती है जब हम लोग यूज़ करते हैं। तो फिर अभी मैंने आपको सारे अटैक्स बता दिए कैसे यूज़ करना है, सारे अटैक्स तो मैंने बता दिया कैसे यूज़ करना है, लेकिन अब हम लोग देखने वाले क्या बॉडी स्लैम रोक सकता है। अभी बाहर इसने बॉडी स्लैम इसने मारा है, अभी देखते बॉडी स्लैम रोक पाते हैं कि नहीं, यार बीच में मत घुस जाना, और रोक लिया भाई, बहुत हार्ड अटैक है, बॉडी स्लैम भी रोक सकता है, तो फिर कॉप तो कुछ कर नहीं पाएगा, अभी बी स्ट्रॉन्ग चोप जो भी है अपने पास कॉप जो भी है, तो फिर वो खाली कोकी भी मार सकता है, ये तो मार नहीं सकता बॉडी स्लैम। चलिए देखते हैं कि डैश रोक पाता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता डैश रोक पाएगा लेकिन देखने में क्या जा रहा है, देख लेते हैं डैश रोक पाता है कि नहीं, अगर डैश रोक लिया तो बहुत ज़्यादा ओपी हो जाएगा, नहीं रोक पाया लेकिन शायद टच नहीं होता इसीलिए नहीं रोक पाया, देखते हैं अभी, नहीं डैश नहीं रोक सकता सॉरी, लेकिन ये डैश नहीं रोक सकता। तो फिर ये वॉइस ओवर मैंने वीडियो के बीच में करा था क्योंकि मैंने वीडियो पहले प्लान नहीं करा था करने का, लेकिन बीच में जो आइडिया आया तो मैंने करा, बाकी का वीडियो देख लो आप। तो फिर अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सिर्फ 5 सब्सक्राइबर बचे 600 सब्सक्राइबर के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अब हमारा नेक्स्ट सब्सक्राइब बोले 1000 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, मैं बहुत बार प्लीज़ प्लीज़ बोल रहा हूँ इसके लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, फिर से प्लीज़ बोल दिया मैंने, तो बहुत ज़्यादा प्लीज़ हो रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।